दोस्तों हमारे पास है सेवरोलेट की बीट डीजल, और ये गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रही है। ये 7, 8, 9, 10 सेल्फ लेने पर स्टार्ट हो रही है और धक्का मार के भी इसको स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो जो प्रॉब्लम है, जहाँ तक मुझे लगता है, ग्लो प्लग से है। तो ये ग्लो प्लग के होल्डर मैंने निकाल दिए हैं और मैं ग्लो प्लग को निकाल कर चेक करूँगा कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैं ग्लो प्लग के होल्डर निकाल लेता हूँ। इनको हम हीट प्लग भी कहते हैं, ग्लो प्लग भी कहते हैं। इनका जो काम होता है वो इंजन के सिलेंडर के अंदर गर्मी बनाना होता है, जिससे कि जो डीजल है वो एक्स्ट्रा हीट होकर आराम से जल सके। तो अभी ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ खोलकर कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, देखते हैं। तीनों आ गए। टर्बो के ऊपर के भी ये नट खोल देते हैं। ये टर्बो का कवर हटा लेंगे जिससे कि ग्लो प्लग को खोलने में थोड़ा और आसानी हो। अब ग्लो खोलने के लिए हमें चाहिए हेल्पर, बिना हेल्पर के हम नहीं खोल सकते। और ये हमें गोटी चाहिए, तो हेल्पर गोटी के माध्यम से आप खोल पाएंगे, बिना हेल्पर के ये नहीं खोल पाएगा। ठीक है, खोल लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया है पहला ग्लो प्लग निकल के। कंडीशन तो इसकी काफ़ी बेकार है, और ये यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से लूजिंग देखिए, देख रहे हैं, यहाँ से लूज़ है ये। तो अगर ये सही भी है तो आगे जाके ख़राब हो जाएगा, ऐसी लूजिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। और बाकी अभी हम चेक करेंगे तब पता लगेगी कि ये वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। मैंने थोड़ा WD-40 यहाँ पर डाल दिया है जिससे कि जो है आसानी से खुल पाए, क्योंकि थोड़ा टाइट खुल रहे थे, इस वजह से WD-40 डाला है मैंने। और मैं ऐसे धीरे धीरे करके तीनों ग्लो प्लग को खोल लूँगा, और खोल कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये दूसरा वाला ग्लो प्लग भी मैं खोल के निकाल लेता हूँ। आ जा भाई, आ जा। और ये देखिए बाहर आ चुका है, इसकी हालत भी सही नहीं है, एक बार चेक करते हैं। और ये देखो, इसमें भी लूजिंग है। अभी दिखाता हूँ मैं थोड़ा फोकस करके, ये देखो इसमें भी लूजिंग है। तो ये भी बेकार ही है, बाकी इसको चेक करेंगे बाद में। अभी तीसरा वाला ग्लो प्लग खोल लेते हैं अपने, और इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसकी कंडीशन देखते हैं क्या है, और इसकी भी सेम कंडीशन ही है। ये देख लेते हैं एक बार चेक करके, इसमें भी लूजिंग है, तीनों ग्लो प्लग में लूजिंग है। अब देखते हैं तीनों ग्लो प्लग में से कितने सही हैं, कितने ख़राब हैं। मैंने तीनों ग्लो प्लग चेक किए, जिनमें से एक ग्लो प्लग तो बिल्कुल ही बेकार निकला, और दो ग्लो प्लग वीक हो गए थे, वो एकदम गर्म नहीं हो रहे थे। तो ये मैं नया ग्लो प्लग लाया हूँ, GM 4.4 वोल्ट, जो बीट में लगता है। और ग्लो प्लग को चेक कर लेना पुराने वाले ग्लो प्लग से, इसकी चूड़ी देख लेना, चूड़ी का साइज और मोटाई वो सब सेम होनी चाहिए। और ग्लो प्लग की लंबाई भी देख लेना, लंबाई बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो, चाहे कुछ mm कम हो, कुछ का मतलब 0.001 mm कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप चेक कर लेना। और अभी मैं आपको नया वाला ग्लो प्लग चेक करके दिखाता हूँ कैसा काम कर रहा है। प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में मैंने लगाया है, ये देख सकते हैं आप, सिर्फ 2-3 सेकंड में ये लाल हो चुका है। मैं फिर दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल एकदम लाल सुरख, 2-3 सेकंड में मात्र नए ग्लो प्लग। और पुराना ग्लो प्लग मैं अभी आपको चेक करवाऊंगा। ये पुराना ग्लो प्लग है, इसमें देखिए बीज वाला जो होता है प्लस होता है, जो इसकी बॉडी होती है ग्लो प्लग की वो माइनस होती है। तो माइनस को माइनस पे और प्लस को प्लस में मैंने लगाया है, ये देखिएगा अभी तक ये गर्म नहीं हुआ है, जबकि नया वाला अभी तक लाल हो चुका था, और ये अभी भी नहीं हुआ है। अब ये थोड़ा थोड़ा देखिए सुराख होने लगा है, रेड हो रहा है, देखिए देखिए। तो मेरे ख्याल से कम इसे 10 से 12 सेकंड लग रहे हैं बिल्कुल रेड होने में, तो इसलिए ये जो है वीक हो गया, ये हमारे यूज़ में नहीं है। अब एक बार मैं आपको इसका जो हीट ग्लो प्लग का जो टाइमर होता है, हीटर टाइमर, उसको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि उसकी कैसी वर्किंग रहती है।
तो हीटर टाइमर को चेक करने के लिए मैंने मल्टीमीटर के माइनस वाले पोर्ट को माइनस पे लगा दिया है और मल्टीमीटर का जो प्लस वाला पोर्ट है उसको मैंने ग्लो प्लग के होल्डर में लगा दिया है। तो अभी देखते हैं क्या स्टेटस है। अभी गाड़ी का मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, स्टार्ट नहीं करना, सेल्फ नहीं देना, सिर्फ चाबी ऑन करना है बस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चाबी ऑन करके। देखिए चाबी ऑन करने पर इसमें 2.23 वोल्ट का करंट आया है ग्लो प्लग के होल्डर में। ग्लो प्लग का होल्डर जो ग्लो प्लग के ऊपर लगा होता है उसमें मैंने प्लस वाला मल्टीमीटर का टर्मिनल दिया हुआ है, ये देखिए। तो अब मैं गाड़ी का सेल्फ करवाता हूँ, सेल्फ मार के देखते हैं कितना करंट आता है इसमें। ये देखिएगा सेल्फ मारने पर 3.13 के आसपास इसमें करंट रहता है, क्योंकि जो हमारे ग्लो प्लग हैं वो 4.4 वोल्ट के हैं, लेकिन जो हीटर टाइमर है वो 3.13 वोल्ट का करंट इसमें लगाता है। एक बार इग्निशन ऑन करके इसमें दिखाता हूँ, चाबी खाली ऑन करनी है, सेल्फ नहीं देना। देखिएगा क्या रहता है अंदर, ये देखिए सिर्फ चाबी ऑन की है और देख सकते हैं आप बिल्कुल ये रेड हो चुका है। तो ये होती है सही चीज की पहचान, हीटर टाइमर सही है, ग्लो प्लग सही है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं क्या इनकी कंडीशन है। मैं आपको एक बार और चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन है। ऑफ करिए भैया, ऑफ, ऑन कर। ये देखिए जब हम सेल्फ देते हैं ना, मतलब हम चाबी ऑन करते हैं तो फ्यूल पंप की मोटर चलती है, मोटर के बंद होने के बाद कम से कम 4 सेकंड तक ग्लो प्लग बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट पैदा कर देता है। फ्यूल पंप के बंद होने के 4 सेकंड के बाद तक आप सेल्फ दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इंजन सबसे ज़्यादा हीट होता है। ऑफ करना, ऑफ। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और, ऑन कर। देखिए इग्निशन ऑन किया, ये ग्लो प्लग चलने लगा, ठीक है, जल रहा है। अब फ्यूल पंप की जो मोटर है वो बंद हो चुकी है, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये चमक रहा है, कितनी ज़्यादा गर्मी इसमें हो चुकी है। तो बस फ्यूल पंप की मोटर बंद होने के 4-5 सेकंड बाद में भी आप अगर सेल्फ देते हो तो गाड़ी बहुत स्मूथ स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ज़्यादा कुछ सामना प्रॉब्लमों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आज बंद हो तो बताइए, ये देखिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने तीनों ग्लो प्लग ही इसमें नए डाल दिए हैं और ग्लो प्लग को अब मैं इसमें लगा रहा हूँ। लगाकर फिर सेल्फ देके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा फ़र्क इस गाड़ी में आया है। और मैंने तीनों ग्लो प्लग लगा दिए हैं और उनको ऊपर होल्डर भी लगा दिया है तीनों ग्लो प्लग का। और अब गाड़ी देखते हैं स्टार्ट करके। ठीक है भैया, चाबी ऑन करके वैसे ही स्टार्ट करना जैसे बताया था। तब भी स्टार्ट हो गई, देख लिया, बैटरी पूरी खत्म थी तब भी स्टार्ट हो गई। और क्या बिल्कुल सही करा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सही में अगर बढ़िया लगी है ना, मस्त लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर इतने कम है कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। तो बस दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है कि वो वीडियो आपके कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे काम आ जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।